दोस्तों नमस्कार। सुख समृद्धि के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वह घंटी भी बजा दें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। भोलेनाथ के सभी भक्तों को जय महाकाल। दोस्तों इस वीडियो में जानिए महादेव के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक बाबा अमरनाथ से जुड़ी कुछ खास बातें। देश भर में शिव जी के कई तीर्थ स्थान हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है अमरनाथ गुफा। शिव जी के इस तीर्थ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती है, जिससे करीब 10 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित होता है। इस शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार छोटा हो जाता है। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। इस तीर्थ का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान शिव जी ने पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। अमरनाथ गुफा हिमालय पर्वत पर करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चारों ओर बर्फीली पहाड़ियाँ दिखाई देती है। इस गुफा में शिवलिंग स्थित है जो कि बर्फ से निर्मित होता है। यह शिवलिंग पूरी तरह प्राकृतिक रूप से निश्चित समय के लिए ही बनता है। इस गुफा में एक आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ की बर्फ एकदम कच्ची होती है और हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है, जबकि शिवलिंग की बर्फ एकदम ठोस होती है। इस गुफा का इतिहास हजारों साल पुराना है। अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले किसने की, इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता प्रचलित है कि बहुत समय पहले इस क्षेत्र में एक चरवाहे बूटा मलिक को कोई संत दिखाई दिए थे। संत ने बूटा मलिक को कोयले से भरी हुई एक पोटली दी थी। जब चरवाहा अपने घर पहुंचा तब पोटली के अंदर का कोयला सोना बन गया था। यह चमत्कार देखकर चरवाहा आश्चर्यचकित हो गया और वह संत को वापस खोजने के लिए उसी जगह पर पुनः गया। जब बूटा मलिक उस जगह पर संत को खोज रहा था तब वहां उसे अमरनाथ जी की गुफा दिखाई दी। अमरनाथ जी की गुफा देखकर वह चरवाहा भाव विभोर हो गया और जब उसने वापस लौटकर अपने गांव वालों को ये चमत्कार सुनाया तो यहां सभी गाँव वाले पहुँचे और जब उन्होंने अमरनाथ जी के दर्शन किए तो वे भी भाव विभोर हो गए और तभी से अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू हुई है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्री गणेश, पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन और सावन के पूरे माह यहाँ श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मई से अगस्त के बीच अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। हर साल श्रावण माह के दौरान अमरनाथ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें देश भर से लाखों शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ इसी समय अब बाबा अमरनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। शेष समय यहाँ का वातावरण हमारे लिए प्रतिकूल रहता है। यहाँ अक्सर बर्फबारी होती रहती है और इस क्षेत्र का तापमान -5 डिग्री तक पहुँच जाता है। अमरनाथ गुफा का पूरा क्षेत्र बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़र आता है। यहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं। हिमालय की वनस्पतियों के नज़ारे और झीलें आँखों को सुखद एहसास देती है। बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बलटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बलटाल पहुंचना होता है, इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। पहलगाम से अमरनाथ जाने का रास्ता सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बलटाल से अमरनाथ की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन यह मार्ग पार करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से अधिकतर यात्री पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव जी ने पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को यहाँ दो कबूतरों ने भी सुन लिया था। गुफा में आज भी भाग्यशाली श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई दे जाता है। इन कबूतरों को अमर माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तब उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा था। माथे के चंदन को चंदन बावड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप और गले के शेष नाग को शेष नाग नामक स्थान पर छोड़ा था।
ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ से जुड़ी कुछ खास बातें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया ऐसा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।